जो कुछ भी है होल स्क्वायर है ना, और अंदर जो 1 3 5 एंड सो ऑन जो है वो सारे ऑड नंबर्स है जिसका nth टर्म होता है 2n minus 1। और इसको अगर हमने सिंपलीफाई किया और बिकम 4n स्क्वायर minus 4n plus 1 therefore s n is equal to summation tn। और इसमें कितने टर्म्स है एक्चुअली, ये भी तो ट्रिकी पार्ट है। तो अपने को कैसे पता चलेगा कितने टर्म्स है इसमें, कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो क्लियर है कि nth टर्म क्या है 25। तो अपन क्या कर सकते हैं, nth टर्म फाइंड करना है तो 2n minus 1 is 25, तो 12 is equal to 26, तो n is equal to 13। इसका मतलब होगा अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है s 13, तो n is equal to 1 से लेकर 13 तक है, यानी समेशन 4n square minus 4n plus 1 कितने टर्म्स, यानी ये हो गया 4 टाइम्स। अब देखो स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर्स, ये 13 इनटू 13 प्लस 1 इनटू 2n प्लस 1 यानी 27 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 टाइम्स n इनटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस समेशन ऑफ 1 n होता है जिस डायरेक्टली तो कैलकुलेशन पर 2 3 6 2 2 4 3 9 27 एंड 2 2 7 अब कर लोगे इसके आगे का जो भी है। तो ये एक मेथड है, वो इसे अदर ये करने का दूसरा तरीका क्या, अदर वे ऑफ आप नोटिस किया, वी कैन अप्लाई सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन मैच नंबर्स, अगर हमने इवन के स्क्वायर्स ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है, यानी इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन टिल 25 का स्क्वायर माइनस अभी को सब्ट्रैक्ट किसको करना है इवन 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन टिल 24। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस, अगर आपने 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन टिल 12। और ये तो आपको पता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स यानी 25 into 25 plus 1 into 2n plus 1 2n plus 1 51 divided by 6 minus 4 times this will be a 4 times sum of squares of first 12 last number, okay? 12 into 13 into 25 plus this will be an assembly question, there are two different ways to solve this question। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। इट्स फाइन क्वेश्चन नंबर 8। 1 इनटू 2 प्लस 2 इनटू 3 प्लस 3 इनटू 4 प्लस एंड सो ऑन एन टर्म्स का सम फाइंड करना, तो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। सो आपने नोटिस किया है कोई इसमें कोई स्क्वायर्स नहीं है, और इसमें देखो दो सीक्वेंसेस चल रहा है साथ साथ में, ऑब्वियसली हर एक टर्म का जो पहला पार्ट जो है वो है 1 2, नेक्स्ट वन इज 3, और दूसरा पार्ट जो है वो है 2 3 एंड, तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है 1 2 3 एंड सो ऑन है ना। तो nth टर्म यानी अगर आपने को इस पर्टिकुलर सीरीज का tn फाइंड करना है तो ऑब्वियसली इसमें दो सीक्वेंसेस हैं पैरेलल में, तो अपने को फाइंड करना होगा फर्स्ट टर्म का फर्स्ट सीक्वेंस का nth टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड सीक्वेंस का nth टर्म। तो फर्स्ट सीक्वेंस का nth टर्म है, फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा, जैसे कि फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, तो nth केस में nth टर्म है n। सिमिलरली फर्स्ट में 2 है,
सेकंड में 3 है, एग्जैक्टली n प्लस 1, इसको अपन लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस, ये हो गया अपना t। और अपने को क्या फाइंड करना है, s रिमेंबर s फाइंड करना है, तो सिंपली अप्लाई समेशन है ना। तो कोई अजीब सा सीन आपको दिख रहा है तो tn फाइंड करो एंड सिंपली अप्लाई समेशन। अभी तो सिंपल क्वेश्चन, समेशन n स्क्वायर प्लस n, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला n इनटू n प्लस 1 इनटू 2n प्लस 1 n इनटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, तो क्या कॉमन निकलेगा, इधर क्या बचेगा प्लस 1, ये किस नतीजे को, ये n इनटू n प्लस 1 2n प्लस 4 2 कॉमन लिया तो बचेगा n प्लस 2 और ये 2 से कट गया, दैट इज इन द केस। A similar question, say we have 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus that one again n terms। अब देखो ये भी थोड़ा कुछ अजीब सीरीज है, तो इसका भी हमको क्या, इसका भी अप्रोच क्या रहेगा, सेम अप्रोच, अरे डम फाइंड करो और इसका इसको अप्लाई करो समेशन, तो इसका मुझे nth डम फाइंड करना है, उतना डिफिकल्ट तो नहीं है। जैसे कि इसमें देखो 3 पार्ट है हर एक टर्म है, तो पहला पार्ट जो है वो है n into n plus 1 into n plus 2, n into इनको मल्टीप्लाई किया n square plus 2n plus n which is 3n plus 2, इसको ओपन किया तो n cube plus 3n square plus ये हो गया अपना t। अगर आपने को sn फाइंड करना है वो भी इसका समेशन समेशन t है, यानी समेशन n cube plus 3n square plus 2n, यानी इस नतीजे पर समेशन ऑफ n cube plus, इसको मैं ऐसे लिखूंगा चलेगा, 3 times समेशन ऑफ n square plus 2 times समेशन ऑफ n। अब ये तो I think we can do this one ना, अब देखो समेशन ऑफ n cube इस नतीजे पर n square into n plus 1 का whole square root 3 times summation of n square is n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by summation of, sorry, 2 times summation of n is n into n plus 1 by 3 to the 6, see? तो वो सब में से क्या कॉमन निकलेगा? n into actually you could have done nothing, ये 2 कैसे करने की जरूरत है? Okay, let's see। अब देखो clearly n into n plus 1 तो पक्का कॉमन back to b by 2b, मैं एक काम करूंगा, अब मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा बट इसको भी मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा बट, तो ऑटोमेटिक डिनोमिनेटर में 4 कॉमन निकले, तो इधर क्या बचेगा n into n plus 1, n square plus n plus, देखो ये n n plus 1 कॉमन निकल गया और डिनोमिनेटर में 4 भी कॉमन निकल गया, दैट मींस वी विल बी लेफ्ट विद 4n plus 2 plus n n plus 1 4 ये सब निकल गया फॉर्म, दैट मींस वी विल लेफ्ट विद 4 n into n plus 1 into n square plus 5n plus 6 divided by, अरे क्वेश्चन में फाइंड सम टिल 10 टर्म्स, तो 10 टर्म्स का अपने को सम फाइंड करना होगा, तो सिंपली इधर n के जगह डालेंगे 10 एज इट इज। तो इसमें क्या है कि सीक्वेंस इज वेरी मल्टीप्लिकेशन है ना, तो टर्म्स में दो दो सीक्वेंसेस साइमल्टेनियसली चल रहे, तो हमने nth टर्म फाइंड किया और बस अप्लाई किया सब। नेक्स्ट इज 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस आंसर एन टर्म्स, वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसमें भी सेम अप्रोच, इसका भी इसका मुझे tn फाइंड करना है, तो पहला जैसे कि दो पार्ट्स है हर एक टर्म में, तो पहला पार्ट का nth टर्म क्या रहेगा, दूसरा पार्ट का nth टर्म क्या रहेगा, गुड, तो ये 1 3 5 जो है इसका है 2n माइनस 1 और 3 5 7 जो है इसका है 2n, ये फाइंड करने का कोई दूसरा तरीका है, एपी एनथ टर्म एपी वाला एनथ टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1 3 5 है
तो फर्स्ट टर्म वन इज ये सारी एपी में है, फर्स्ट टर्म वन है और कॉमन डिफरेंस है टू, अप्लाई करना हो जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि nth टर्म का जो फॉर्मूला है एपी में इट इज नथिंग बट एन डी प्लस क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो दिस इज व्हाट वी गेट है ना। अब देखो जो भी कॉमन डिफरेंस है वो एन के साथ रहेगा, देखो इसका कॉमन डिफरेंस टू है, टू एन और ए माइनस बी वन माइनस माइनस वन। सिमिलरली थ्री फाइव जो है इसका भी कॉमन डिफरेंस टू है, थ्री फाइव सेवन कॉमन डिफरेंस टू है, सो टू एन प्लस ए माइनस बी, फर्स्ट टर्म थ्री है कॉमन डिफरेंस टू, थ्री माइनस टू इज वन, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अभी तो हुई क्या इट इज नथिंग बट, तो इसका एस एन क्या रहेगा डायरेक्टली समेशन ऑफ फोर इनटू समेशन एन स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वन व्हिच इज बेसिकली एन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन, b स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एन टर्म्स। ऑब्वियसली इसका मुझे n टर्म फाइंड करना है ना, सो आपने नोटिस किया कि जो स्क्वायर्स है अंदर में जो टर्म्स है वो सारे ऑड, 3 7 11 एपी में है एग्जैक्टली। तो मैं क्या करूंगा पहले स्क्वायर लिख दूंगा और अंदर से देखो ये सब एपी में है तो ये फंड आपने है इनका इनका फर्स्ट टर्म क्या है 3 और कॉमन डिफरेंस 4 तो ऑब्वियसली होगा प्लस ए माइनस बी, ए माइनस बी इज माइनस है ना शॉर्टकट डायरेक्टली व्हाट इज इक्वल टू 16 एन स्क्वायर है ना ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी सही है। तो इसका एसएन 16 समेशन माइनस 8 समेशन द समेशन ऑफ 1 व्हिच इज इक्वल टू इसका आगे का हो जाएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं बेसिकली कि ये सब सारे कोई प्रॉपर कोई फॉर्मूला के फॉर्मेट में नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं इन सारे सीरीज का वी आर ट्राइंग टू फाइंड nth टर्म, nth टर्म फाइंड किया और उसके बाद समेशन अप्लाई करो आ गया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स राइट। इसमें दो है, दो सीक्वेंसेस चल रहा है, हर एक टर्म है तुम्हें क्या करना है ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट का जो कुछ भी है। अब देखो पहले ब्रैकेट में कौन है 1, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, nth टर्म है तो समेशन में अप्लाई करेंगे ना लास्ट में है ना, तो समेशन फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त समेशन में अगर n स्क्वायर आ गया तो n की जगह पर डालेंगे 20, वो अपन लास्ट में अपन पहले एरर टर्म फाइंड कर लिया समेशन अप्लाई करते हो लास्ट में इनपुट n इक्वल टू 20 है ना। और थोड़े बहुत सेकंड ब्रैकेट्स ये तो ये स्टार्ट करते 3 से लेकर और नेचुरल नंबर्स व्हेन प्लस 1 का सिंपल। अब ये n टाइम्स 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 ये होगा 4n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस ये होगा 10, तो s s कितना फाइंड करना है आपको 20, तो मैं क्या करूंगा समेशन n इज इक्वल टू 1 टू 4n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस तो ये होगा 4 टाइम्स सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 20, सो 20 स्क्वायर इनटू 20 प्लस 1 21 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 टाइम्स सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 20 नंबर्स यानी 20 इनटू 21 इनटू 41 प्लस 20 इनटू 21 बाय सेम
देखो इसका कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, ये सिर्फ लास्ट में होगा इसका जो सब्स्टिट्यूशन है, तो उसका पूरा k होगा n टर्म फाइंड करो और उसका उसका समेशन फाइंड करो। इसमें डायरेक्ट tn दिया हुआ है, tn माइनस 1 प्लस 2 रेस टू n, और डायरेक्टली फाइंड करो ऐसे आपको फाइंड करना है। तो sn का फॉर्मूला ही क्या है बेसिकली, sn इज समेशन tn, ऐसे भी समेशन tn, तो इसको समेशन अप्लाई करते हैं, यानी समेशन tn माइनस 1 प्लस 2 रेस टू n। और ये देखो इसको बना सकते हैं 3 टाइम्स माइनस प्लस समेशन 2 रेस टू, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 टाइम्स समेशन n का मतलब माइनस समेशन 1 का मतलब। अब ये देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि अब देखो यहां इनकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से लेकर आगे, अगर n की जगह 1 डाले तो n इज इक्वल टू 2 प्लस n की जगह 2 डालेंगे 3 डालेंगे एंड सो ऑन 2 रेस टू n। ये कौन सा सीरीज है, 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ऑब्वियसली विद व्हाट फर्स्ट टर्म, कॉमन रेस टू 2, तो gb का, और ये कितने टर्म्स है इधर n, so obviously sn formula for gb a into the combination greater than 1 है, so 2 raised to n minus 1 divided by 2 minus 1 which is 1, है ना, ये इसका फाइनल आंसर है। अब चाहिए तो इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, बदल दिया dB, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में sn was already given to us, sn दिया हुआ है, सॉरी tn दिया हुआ था, अब देखो फाइंड करना था sn, है ना, तो इसमें तो tn फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, इट वाज ऑलरेडी गिवन टू अस, ऑल वी नीड टू डू वाज टू सिंपली अप्लाई समेशन। What is first term here? पहला term क्या है? ये भी obviously कोई अजीब सा series है। इसका मतलब again अपना approach क्या रहेगा? पहले find करो, उसके बाद apply, आ गया S N, right? तो उसके लिए आपको T N find करना है basically। तो first term है, what is the first term? One. Second term? One plus two. Third term? One plus two plus three. Fourth term? Plus 2 plus 3 plus 4 nth term 1 plus 2 plus 3 plus 3 n, exactly, yani isme to find nth term we actually have to find some, yani nth term mein kul sum hai, so ye unique question hai, ab ye to simple hai, this is what is this, basically sum of first n simply n into n plus 1 by tn hai, bas aapko kya find karna hai summation, so isko agar aise likh dete hain हो जाएगा क्या? इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट वन प्लस वन प्लस थ्री प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस आंसर वन एन टाइम्स, ओके, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, अगेन अजीब सा सीरीज, टीएन फाइंड करो, समेशन अप्लाई करो, आ जाएगा राइट। अब देखो फर्स्ट टर्म में कौन है, 1, सेकंड टर्म है 1 प्लस 3, थर्ड टर्म है 1 प्लस 3 प्लस 5,
ये क्या है बेसिकली? ऑड नंबर्स। सर नंबर्स एग्जैक्ट। ये T3 में फर्स्ट थ्री ऑड नेचुरल नंबर्स, T5 में फर्स्ट फाइव ऑड नेचुरल नंबर्स, T10 में फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स, Tn में फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, और फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है n स्क्वायर, राइट? तो अगर चाहिए तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन प्लस जो पर ऑल नेचुरल नंबर्स का nth टर्म होता है और इसका डायरेक्ट फार्मूला है देयरफॉर Sn क्या होगा समेशन n स्क्वायर व्हिच इज n n प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 ना दिस आर ऑल सम यूनिक क्वेश्चंस यूनिक सीरीज है ऐसा Okay, next 1 by 1 plus 1 plus 2 by 2 plus 1 plus 2 plus 3 by 3 plus and so on n number of remember n के जगह 20 होता तो क्या करें पहले sn find कर लो last में n के जगह 20 डाल दो ओके another interesting question मुझे tn find करना है first तो देखो इसमें अभी numerator भी है और denominator भी है तो डिनोमिनेटर का nth टर्म फाइंड करना बहुत ही आसान है फर्स्ट टर्म में 1 है सेकंड टर्म में 2 है थर्ड टर्म में 3 है तो nth टर्म कौन होगा n अब देखो न्यूमरेटर न्यूमरेटर बिल्कुल इसके जैसा है ना सही है तो न्यूमरेटर में सिंपली 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन टिल सही है सो T3 में फर्स्ट n नेचुरल नंबर T10 में फर्स्ट n नेचुरल नंबर सो Tn में First n natural number, so n into n plus 1 divided by whole divided by n or n or f. So Tn is simply n plus 1 by. So Sn kya hoga? Summation. Half of summation of n plus summation of 1. Ho jayega summation of n aur aapko formula pata hai. Do. Sorry. One cube by one plus one cube plus two cube by one plus three. One cube plus two cube plus three cube by one plus three plus five plus and so on. We need to find sum till nine terms. Nine terms का भी वो sum find करना. So what is the first thing? अपना attack. First we need to find. अजीब सा series है. तो बिल्कुl यही approach. Tn फाइंड करो समेशन राइट सो इसका nth टर्म देखो इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है राइट न्यूमरेटर अलग से डिनोमिनेटर अलग से अब देखो न्यूमरेटर में है फर्स्ट टर्म में 1 क्यूब है सेकंड टर्म में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर यानी बेसिकली 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन टिल और डिनोमिनेटर में सम ऑफ फर्स्ट n Then 1 plus 3 plus 5 plus and so on plus 2n minus 1. So obviously, Tn jo raha hai is nothing but numerator mein n square into by n square. So yeah, divided by n square. N square or n square? So Tn is nothing but isko aise likh dete chalega n square plus 2n plus 1. Sahi hai? Correct. और वो फाइंड कर रहा है सम ऑफ फॉर्मली टर्म्स यानी मैं लिखूंगा इधर s 9 यानी समेशन n इज इक्वल टू 1 टू 9 सही है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस यानी ये 1 बाय 4 टाइम्स समेशन ऑफ n स्क्वायर टिल 9 यानी 9 इनटू 9 प्लस 1 इनटू 19 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 टाइम्स इसका क्या आएगा 9 इनटू 10 बाय 2 प्लस है ना समेशन ऑफ 1 कितना होता है n होता है व्हिच इज बेसिकली ये 9 2 और 2 कट गया 2 3 6 2 5 और 3 3 7 सो 1 4 तो 4 5 3 15 ओके 90 प्लस 9 ये कितना होगा 15 into 19 225
एनएच टर्म निकालो और अप्लाई करो समीशन, है ना, सिंपल फॉर समीशन।